हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये स्मार्ट टीवी है जो कि फिलिप्स कंपनी का है। दोस्तों, इसका जो स्क्रीन है ये उल्टा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर उल्टा हो चुका है। इसको सही कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग इसको सीधा कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो भी यहां पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है वो सभी यहां पे उल्टा नजर आ रहा है, आपको देख सकते हो यहां पे। तो इसको कैसे सीधा करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो 100% आपको मालूम चल जाएगा। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और देखिए, ये फिलिप्स कंपनी का है ये टीवी। तो दोस्तों, स्मार्ट टीवी है दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, सबका रिमोट में ऐसा ही मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मेन्यू बटन दबा देना है और 1147 यहाँ पे प्रेस करना है, तो आपका सर्विस मेन्यू खुलकर आ जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विस मेन्यू खुलकर आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमोट का डाउन बटन से आपको यहाँ पे पैनल सेटिंग, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पैनल सेटिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको आना है। पैनल सेटिंग पे आपको ओके बटन करना है प्रेस। तो देखिए, मैंने ओके बटन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मिरर सेटिंग, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिरर सेटिंग आपको दिख रहा है मिरर, तो इस पे आना है। और दोस्तों, यहाँ पे मिरर जो दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल है यहाँ पे, तो इसको जो भूल जैसे कि इधर लेफ्ट वाला आपको दबाएंगे या राइट वाला, तो यहाँ पे मिरर यहाँ पे लिखेगा, तो मिरर पे आकर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको एग्जिट बटन बैक कर देना है। जैसे ही एग्जिट बटन करेंगे बैक, तो आपको यहाँ पे अभी भी सीधा नज़र नहीं आएगा, तो आपको एक बार बटन को ऑफ करना है, फिर ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा, 100% जो कि आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा हो चुका है। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है दोस्तों, 100% मैंने इसको सीधा कर दिया है। देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और चालू होकर भी आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने सर्विस मेनू खोलने का जो विकल्प बताया, कभी कभी क्या होता है, इनपुट बटन दबाने से और 2580 भी दबाएंगे पेपर भी खुलता है, मतलब हर टीवी का अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें मेनू बटन दबाकर और 1147 दबाए हैं, वैसे ही 25 जो इनपुट बटन होता है उसको दबाकर 2580 भी प्रेस करते हैं, पेपर भी हो जाता है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी प्रॉब्लम हो तो मिनटों में ठीक हो पाए।